नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया आग्रह, सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन, निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे प्राइवेट स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान। उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की विशेषज्ञ समिति ने दिया सुझाव, कहा 12 घंटे लगे रात्रि कर्फ्यू। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिल रहे 3,998 संक्रमित, 19 की मौत, एक्टिव केसेस 26,000 पार। प्रदेश में जारी है कोरोना से जंग, देहरादून जिला प्रशासन ने जारी की 47 कोविड टेस्टिंग सेंटर की सूची, लोगों को राहत मिलेगी। सरकार के फैसले से पहले ही बसों में दुगना किराया शुरू, यात्रियों और परिचालकों के बीच झड़प की मिल रही है शिकायतें। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में कोरोना का कहर। हरिद्वार से बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना का कहर, कोरोना की चपेट में पतंजलि योगपीठ भी। पतंजलि योगपीठ में 83 लोग कोरोना संक्रमित, बाबा रामदेव को भी हो सकता है कोरोना टेस्ट। बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद हड़कंप, पतंजलि पीठ में अन्य लोगों की भी हो रही है टेस्टिंग। योगपीठ के कई संस्थानों में हर रोज मिल रहे हैं संक्रमित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, उत्तराखंड में कोरोना का कहर, कोरोना की चपेट में पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ में 83 लोग कोरोना संक्रमित, बाबा रामदेव का भी हो सकता है कोरोना टेस्ट। सभी संक्रमितों को किया गया आइसोलेट, बाबा रामदेव का भी हो सकता है कोरोना टेस्ट। बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद हड़कंप, पतंजलि पीठ में अन्य लोगों की भी हो रही है टेस्टिंग। योग पीठ के कई संस्थानों में हर रोज मिल रहे हैं और इसके बाद लक्सर से बड़ी खबर है, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, 13 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। 13 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। आम मरीजों के लिए बंद हुआ खानपुर सीएसी, बीडीओ कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद। लक्सर से बड़ी खबर, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, 13 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। आम मरीजों के लिए बंद हुआ खानपुर सीएससी, बीडीओ कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद। लक्सर से ये लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 13 नए मामलों ने अब प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आम मरीजों के लिए खानपुर सीएससी बंद हो चुका है, बीडीओ कार्यालय भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ लगातार टेस्टिंग जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं लक्सर से हमारे संवाददाता। रामगोपाल लक्सर से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता नवाब अली भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामगोपाल आपका रुख करेंगे, और जिस तरह से लक्सर में हालात बिगड़ रहे हैं, अभी आज खबर ये भी आई है कि हरिद्वार में बाबा रामदेव की योगपीठ जो है वहां पर भी 83 लोग संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही साथ अब बाबा रामदेव की टेस्टिंग भी हो सकती है, क्या है ताजा मामला?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हरिद्वार फिलहाल जो है प्रदेश में दूसरे नंबर पर चल रहा है कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं हरिद्वार क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जो पंतजलि योगपीठ है वहां पर भी जो कुछ जो संस्थान है वहां 83 जो पॉजिटिव केसेस जो सामने आए हैं। तो साथ में बताया ये भी जा रहा है कि जिन संस्थानों में जो पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आए हैं वहां बाबा रामदेव भी संपर्क में आए हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से सीएमओ हरिद्वार द्वारा एक बताया भी गया है कि टेस्टिंग जो है विभिन्न जिनके संस्थान है पंतजलि में उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है, साथ में बाबा रामदेव की कराई जा सकती है। जिस तरीके से लक्सर में भी जो 13 कोरोना पॉजिटिव जो निकले हैं, साथ ही जो खानपुर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक है वो भी साथ में पॉजिटिव हो गए हैं। इस तरीके से पूर्व जो मालिका आवासीय विद्यालय है उसमें जो छात्राएं संक्रमित पाई गई थी, जिस तरीके से गांव और जो छात्राएं यानी कि टेस्टिंग जो बढ़ाई गई थी खानपुर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा, तो वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। साथ में कर्मचारी भी जो है इसकी चपेट में है, और कर्मचारी के साथ साथ में जो उनके एक बेटा है वो भी जो है चपेट में, जिनको क्वारंटाइन कर होम आइसोलेशन कर दिया गया। जी इसके अलावा बीडीओ कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, एक जो लक्सर बीडीओ कार्यालय है वहां पर भी जो कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ में महाराजपुर कला गांव में भी 4 जो केसेस सामने आए हैं। तो साथ में जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ लक्सर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग की नींद भी कहीं ना कहीं उड़ी हुई है। जिस तरीके से एडीटेटी के जोर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को बात की जाए या फिर जो जिस तरीके से कोरोना की जो टेस्टिंग है वो बढ़ा रखी है, तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक तरीके से जो मुहिम चलाई गई है तो वो देखने वाली बात है। जी। इसके अलावा नवाब आपका भी रुख करेंगे, आपके एरिया की जानकारी भी चाहेंगे हम। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पतंजलि योगपीठ में ही 83 लोग संक्रमित पाए गए हैं, देहरादून की यदि हम बात करते हैं तो देहरादून में और कहां से संक्रमित निकल कर आ रहे हैं, और उसके बाद भी इतने संक्रमित आने के बाद भी लोगों में क्या जागरूकता का कोई माहौल आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में जो है सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो देहरादून में सबसे ज्यादा पेशेंट जो है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कल भी जो है 1564 मामले जो है कोरोना के सामने आए हैं, और उसके बाद जो है हरिद्वार में सबसे ज्यादा मामले हैं। अगर बात की जाए देहरादून की, तो हालांकि सरकार लगातार सख्ती कर रही है, और सरकार ने इस क्रम में जो है 2 बजे से सारी मार्केट और बाजार जो है बंद कर दिए गए हैं, और साथ में शाम को 7 बजे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उससे कई सवाल जो है प्रशासन पर खड़े होते हैं, क्योंकि देहरादून में जो टेस्टिंग लैब्स हैं वहाँ पर जो है लगातार जो है भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, वहाँ पर घंटों जो है लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, वहाँ पर जो चेकअप कराने आ रहे हैं, जो कोरोना का टेस्ट कराने आ रहे हैं, तो इससे जो है संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। साथ ही इसमें जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में जो है थोड़ा वक्त जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, एक एक रिपोर्ट को 2-3 दिन लग जा रहे हैं, क्योंकि हालांकि सरकार की गाइडलाइंस है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से देहरादून में मामले सामने आ रहे हैं कोरोना टेस्ट के, तो उससे कहीं ना कहीं सवाल निशान भी खड़े होते हैं कि सरकार के पास जो है पूरे इंतजाम, देहरादून या पूरे प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी जो है कम इंतजाम है, कम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि लगातार अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो और टेस्टिंग की जो स्पीड है उसको अगर बढ़ाएंगे तो जो कोरोना की चेन है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है ये होता है कि अगर कोरोना की जो रिपोर्ट है 2-3 दिन या 4 दिन में अगर आएगी, तो कहीं कहीं तो ऐसा भी मामले सामने आ रहे हैं कि 1 हफ्ते की जो है टाइम के बाद कोरोना की रिपोर्ट आ रही है। जी बिल्कुल। बात की जाए देहरादून में दून अस्पताल की, तो वहां पर जो कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट लेने आए हुए हैं लोगों से जब हमने बात की, तो उनका भी कहना है कि कल भी हम आए 4 घंटे लाइन में लगे लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल पाई, उसके बाद आज फिर कई घंटों से लाइन में खड़े हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो अगर उसको अगर जल्दी पता चल जाएगा कि वो कोरोना संक्रमित है तो उससे वो क्या है कि जल्दी से आइसोलेट हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, संक्रमण फैलने की जो फैलता है उसको रोका जा सकता है। वो तो इस तरह से अगर मामले सामने आते हैं तो ये सवाल निशान खड़े करते हैं सरकार की कार्यशैली पर। सरकार को चाहिए कि जो कोरोना की टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग की जाए, और साथ ही जो है जो रिपोर्ट्स है उनको 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो रिपोर्ट्स जो है मिल जानी चाहिए लोगों को,
आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त जो है 3 दिन के लिए सभी सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। साथ ही एक बड़ी खबर यह है कि जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश, उनकी भी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, सीटी स्कैन में जो है पता चला है कि वो पिछले 10 दिनों से कोरोना से संक्रमित है, लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार जो बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जिस तरह की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है मुख्य सचिव उत्तराखंड की, तो इस पर भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिर जो 10 दिन से वो मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना किसी शख्स को होता है तो कई तरह से सिम्टम्स आते हैं, खांसी होती है, गले में खराश होती है, जुकाम होता है। तो क्या ऐसे जो ओम प्रकाश है मुख्य सचिव, उनको क्या ऐसा कोई सिम्टम्स नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था? आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हरिद्वार से ओम प्रयास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी ओम प्रयास, आपसे जानना चाहेंगे कि हरिद्वार में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी नवाब ने जानकारी दी कि मुख्य सचिव भी कोरोना पॉजिटिव है, साथ ही साथ पतंजलि योग पीठ में 83 लोग संक्रमित पाए गए हैं, क्या है ताजा अपडेट आपके पास? देखिए पतंजलि नहीं, हरिद्वार के जितने भी मेन जो जगहें हैं, चाहे वो स्थिति हरिद्वार महाकुंभ की हो या फिर हरिद्वार चाहे हरिद्वार में तमाम लोग कोरोना के सामने निकल कर आए। जो कोरोना का जो है दूसरा स्ट्रेन है, कोरोना की आई है, इसमें कहना ये देखने वाली बात है कि कई लोग रोजाना का जो आंकड़ा हम बात करें तो पिछले 24 घंटे 600 और वही बात करें हरिद्वार की रोजाना के मामले की बात करें, रोजाना हरिद्वार में जो आंकड़ा है वो 600 के पार जा रहा है, कभी 786 हो जा रहा है, कभी 500 के पार, रोजाना का जो मामले है वो 500 के पार जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार में जो कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ जा रहा है, गंभीर विषय है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ भी काफी आयोजन हो रहा है। और यदि भी अगर हम बात करें अभी हरिद्वार महाकुंभ में 40 घटनाएं और इस 40 घंटों की कैसी व्यवस्था रहने वाली है, इसके लिए जो मेला प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, चाहे वो मेला स्वास्थ्य विभाग की हो या जो जिला स्वास्थ्य विभाग की हो, लगातार जो मेन जो चौक सुधार है, जो बॉर्डर है, वहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है, लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। यहाँ हम बात करें ऑक्सीजन की, तमाम जो महापौर हरिद्वार है उन्होंने जो डिजिटल है, जो मार्बल कंपनी डिजिटल, उसको ऑक्सीजन का लाइसेंस मिला है। आप देखने वाली बात है कि ऑक्सीजन जिस तरह से लगातार की ऑक्सीजन की कमी भी होती जा रही है हरिद्वार में, तो उसकी पूर्ति के लिए देखे तो इस चीज का लाइसेंस मिला है। वही हम बात करें कोरोना पॉजिटिव की, पता नहीं लगी आज दिल्ली में 83 लोग संक्रमित पाए गए, तो कहना ये बहुत ही गंभीर विषय है। बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, अब वो भी कोरोना के, उनकी भी जांच स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि लगातार मांग बढ़ते जा रहे हैं और हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से लोग भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हम बात करें अभी हाल ही में हुए स्नान की, तो 21 तारीख को जो रामनवमी का जो महाकुंभ का जो स्नान हुआ है, उस पर देखने वाली बात थी कि हरिद्वार के जो ब्रह्मकुंड घाट है, ब्रह्मकुंड घाट समेत तमाम घाट है, फिर हरिद्वार के जो अन्य जो घाट है बिल्कुल सूने पड़े थे, बाहर के यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, लोगों में जागरूकता तो आई है, बहुत देरी से आई है, थोड़े दिन पहले आई होती तो शायद कोरोना जो दूसरा दूसरी लहर रही है हरिद्वार में या फिर पूरे प्रदेश में, जिला दंडिया तमाम लोग पाए जा रहे हैं, वो चीजें जो है इस तरह से हरिद्वार माप आयोजन भी हो रहा है, लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिला प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार प्रयास करते हैं। इसके अलावा ओम प्रयास, अब महाकुंभ में भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो महाकुंभ की यदि जानकारी लें तो वहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ पंडालों को लेकर, साथ ही साथ अखाड़ों को लेकर कुछ वहां पर चल रहा है या सब कुछ सुना है हरिद्वार में? हरिद्वार महाकुंभ की अगर हम बात करें तो हरिद्वार महाकुंभ में से पंडाल की बात करें तो कुछ अखाड़ों ने कुंभ मेले का विसर्जन कर दिया है, कुछ जो सन्यासी परंपरा के जो अखाड़े हैं, निरंजन अखाड़ा या फिर जूना अखाड़ा, तमाम अखाड़ों ने कुंभ विसर्जन कर दिया है, अग्नि अखाड़ा, तो तमाम अखाड़े। वही हम बात करें अभी एक जो मुख्य जो शाही स्नान होना है वो वैराग्य, जो वैराग्यों के जो अखाड़े हैं, मोहिनी, निर्वाणी यणि और दिगंबरणी, साथ ही साथ जो उदासीन परंपरा के हैं, उदासीन बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, उदासीन निर्मल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा, तो इन ये जो अखाड़े को जो संत है वो उन लोगों ने, जो संतों ने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और जो गंगा जो शाही स्नान जो होना है उसमें कम से कम संख्या में
स्नान करें और उचित दूरी बनाकर मास्क का प्रयोग कर तमाम चीजों को लेकर लगातार जो संत है वो लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में जो स्थिति है कोरोना वगैरह बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत ही ज्यादा लोग रोजाना हरिद्वार से कोरोना के निकल रहे हैं। जो आंकड़ा रोज का 600 के पार 500 के पार रोजाना जा रहा है, वही अगर बात करें एक्टिव केसेस, तो एक्टिव केस मतलब एक मतलब हजारों से भी ज्यादा संख्या है एक्टिव केसों की। तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लगातार अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, स्थितियों को देख रहे हैं। वही हम बात करें कि जो प्रदेश स्तर से हाल ही में जो सरकारी कार्यालय हैं जो आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उनको बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। जो आवश्यक सेवाओं के जो कार्यालय हैं सरकारी कार्यालय हैं उनको बंद रखने की का एक आदेश जारी हुआ है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जिनके बच्चे 10 साल से छोटे हैं उन लोगों को ऑफिस ना आने की हिदायत दी गई है, साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। सभी कोर्ट बंद है, तमाम चीजें हैं जो हरिद्वार में बिल्कुल बदल चुकी है। लोग अपने घरों में कैद हैं, कोरोना महामारी का ये जो नया स्ट्रेन है इसको लेकर जो स्थानीय जो पुलिस है वो भी लगातार शहर में ग्रस्त कर लोगों को मास्क के लिए उचित दूरी के लिए लगातार इन सब चीजों के लिए जी बिल्कुल ओम प्रयास यहाँ पर आपको रोकेंगे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाब आप बने रहिएगा हमारे साथ, साथ ही साथ रामगोपाल आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल हरिद्वार में कोरोना को लेकर मामले लगातार चिंता बढ़ाने वाले हैं। पतंजलि योगपीठ में 83 लोग संक्रमित पाए हैं, बाबा रामदेव का भी टेस्ट हो सकता है, साथ ही साथ सचिव की यदि बात करें तो वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर ज़्यादा जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें, मामूली लक्षणों तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाए, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने। पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना की। जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना की केसेस सामने आ रहे हैं, हरिद्वार में हर रोज 500 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। 24 घंटे में 666 कोरोना के नए मामले सामने आए। जिला और मेला स्वास्थ्य विभाग की कोरोना टेस्टिंग लगातार जारी है। लखतर में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हरिद्वार बॉर्डर समेत चौक चौराहे पर टीम तैनात की है। प्रदेश में 3,998 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 119 प्रदेश में कुल कंटेनमेंट जोनों की संख्या भी बना दी गई है। वीडियो कार्यालय भी बंद है।
ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिनके बाद अब जनता हालांकि जागरूक हुई है, लेकिन जागरूकता में कमी के चलते आज ये स्थिति बनी हुई है। कोरोना अपडेट को लेकर हमारे साथ नवाब अली भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रामगोपाल भी बने हुए हैं। जी रामगोपाल, कोरोना को लेकर जिस तरह से चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और पतंजलि योगपीठ में भी सामने आए हैं मरीज, पतंजलि की यदि हम आपसे बात कर लेते हैं तो एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं और योगपीठ में काम चलता है आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर, हर्बल दवाइयों को लेकर, तो कितने लोग लगभग होंगे और कितने लोगों की अब टेस्टिंग की जानी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पतंजलि योगपीठ में जो फिलहाल आंकड़ा बताया जाए तो जिसे जैसे कि 83 जो संक्रमित पाए गए हैं, तो उनको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो है जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। साथ में जो आयात वहां से एक तरह से निकलता है तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो भी लगातार बढ़ सकता है। जिस तरीके से प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और साथ में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में भी जो है डॉक्टरों की कमी जो सामने आ रही है, तो उसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री जिस तरीके से जो लास्ट ईयर के MBBS की जो छात्राएं हैं उनका भी जो है सेवाएं लेने की जो बात कही गई है प्रदेश में, तो अगर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो प्रदेश सरकार जिस तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है कोविड संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए, ये एक बेहद सवाल है। जी जी बिल्कुल। नवाब, आपसे भी जानकारी चाहेंगे, यदि हम जानकारी लें देहरादून की, तो देहरादून में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आपने हमें जानकारी दी है कि सचिव भी संक्रमित पाए गए हैं, तो देहरादून में अब इतने केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ प्रशासन कर रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की, बेड की, वेंटिलेटर की यदि हम बात करें तो क्या हालात है वहाँ के? देहरादून की बात की जाए तो देहरादून एक बड़ा शहर है, उत्तराखंड का राजधानी है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा मरीज जो है देहरादून से मिल रहे हैं। तो हालांकि लोग जिस तरह से थोड़ा वक्त पहले तक मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह थे, लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर ने एकदम से अटैक किया पूरे देश भर में, तो लोग एकदम से सतर्क हो गए हैं। लेकिन दरअसल पिछली बार जब पिछले साल मार्च और अप्रैल में जब केसेस बढ़ रहे थे तो उस वक्त जो है सरकार केसेस को लेकर सीरियस थी, लेकिन अब सरकार उस तरह से ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रही, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता था उस एरिया के सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया जाता था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सामने आती थी, उस शख्स के साथ में जो जो लोग थे कॉन्टेक्ट में उनकी लिस्ट बनाई जाती थी, उनको ट्रैक किया जाता था, लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही कि जो कोरोना संक्रमित है उनके जो कॉन्टेक्ट में आए हुए लोगों को जो है ट्रेस किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। हालांकि अगर जनता की बात करें तो जनता जो मास्क नहीं लगा रहे हैं वो फाइन भी दे रहे हैं, कहीं 500 का फाइन है तो कहीं 1000 का फाइन है तो कहीं 10,000 का भी फाइन है। अगर देश की बात करें तो जनता सारे जो भी गाइडलाइन सरकार जारी कर रही है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या किसी और राज्य की सरकार हो, सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। कहीं होता है कि कुछ लोग जो है गाइडलाइंस का फुल पालन नहीं करते जिसका जुर्माना उनको भरना पड़ता है, या कोरोना संक्रमण की चपेट में वो लोग आ जाते हैं। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब अगर केसेस बढ़ते हैं तो सरकार के लिए परेशानियां खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि ICU जो है ऑलमोस्ट फुल हो रहे हैं। देहरादून की बात करें, देहरादून में ICU फुल है, कुछ ही जो पेशेंट है उनको ICU में रखा जा सकता है। हालांकि प्रदेश की जो अन्य जगह है वहां पर ICU है, बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से हमने बात की थी, जिसको जहां उनका कहना है कि लगातार जो यहां पर बेड्स की जो कमी है, सिचुएशन को देखते हुए बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोनेशन यहां पर एक अस्पताल है देहरादून में बड़ा, उसको भी जो है कोरोना के लिए शुरू कर दिया गया है, जहां पर कोरोना के पेशेंट का वहां पर इलाज किया जाएगा। तो इन बातों को अगर ध्यान में रखें तो सरकार भी काम तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से पहले सरकार सीरियस होकर जो है कोरोना संक्रमित के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग आते थे उनको ट्रेस किया जाता था, लेकिन अब उस तरह की चीजें जो है सामने नहीं दिख रही है। लेकिन सरकार का मानना है कि अगर 2 बजे से सारी बाजार बंद कर देंगे तो लोगों का आना जाना कम होगा और उसके बाद जो है कोरोना की जो चेन है वो टूट जाएगी, लेकिन ऐसा अगर प्रैक्टिकली उस बात को सोचे तो देहरादून में इतनी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, इस वक्त शादियों का माहौल है और कई तरह के जो आयोजन देहरादून में हो रहे हैं,
तो उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो जो सुबह 10 बजे मार्केट देहरादून की खुलती है और 2 बजे आदेश आ गया कि 2 बजे वो मार्केट बंद करनी है। अब आप सोचिए कि 4 घंटे के अंदर वहां पर जो है इतनी बड़ी तादाद में जो देहरादून की आवाम है उसको शॉपिंग करनी है या खरीदारी करनी है, तो आपको सोचिए कि जो दुकानें हैं जो बाजार है उन पर एक तरह से लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इतनी क्योंकि आवाम तो उतनी है देहरादून की, लेकिन जब 4 घंटे में ही खरीदारी करनी है तो सबको बाजार में जाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जाएंगी और हो सकता है कि वहां पर कई लोग जल्दी जल्दी मास्क ना लगाए या कई तरह की जो है लापरवाही सामने आ सकती है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि व्यापारियों का भी कहना था कि अगर 4 घंटे में खरीदारी करनी होगी देहरादून को तो देहरादून की जनता ज्यादा मार्केटों में जाएगी, खरीदारी करेगी, तो इससे जो है सेंटिमेंट फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। साथ ही उनका कहना है कि अगर बाजार बंद करने हैं तो पूरे दिन के लिए बंद करें। इस जी, तरह बिल्कुल नवाब, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, समय का मेरा इशारा मिला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। रामगोपाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ हमारे साथ ओम प्रयास जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूँ कि जिस तरह से उत्तराखंड में हरिद्वार में केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार लगातार जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, नए नियम नए निर्देश लागू कर दिए गए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है जिस तरह से हमारे संवाददाता नवाब अली ने भी सवाल उठाया है कि 4 घंटे के अंदर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो कोविड गाइडलाइंस की धज्जियाँ भी उड़ाई जाती हैं, जिसको हमें फिलहाल रोकना होगा। यदि हम इसे रोकने में कामयाब होते हैं तो संक्रमण की चेन को भी तोड़ पाएंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कोरोना अपडेट को लेकर इतना ही, ताज़ा जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। यूपी सरकार की सेवा, सुशासन और विकास के 4 साल बेमिसाल हैं। गौरवशाली 4 साल साफ नियत सही विकास से यूपी की